हेलो। तो आप सभी का स्वागत है मुक्की चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपके साथ आगे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो जैसा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, थोड़ा सा बैक पेन था और नौजिया वॉमिटिंग तो बहुत ज़्यादा था, मतलब कुछ भी खाना मुश्किल हो गया था। तो ऑलमोस्ट जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर था ना, पूरे टाइम मेडिसिन चली है और कुछ नहीं। मतलब एक्सरसाइज तो क्या मिले, बेड से उठ के बाथरूम तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था। बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं इस पेन को बेयर करने के लिए रेडी थी, क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली थी। और अमोक भी बहुत खुश था मेरे साथ। ये मेरा बेटा बेटा मामा बेटा, ये देखिए अमोक भी बहुत खुश है। तो बस अब उसके बाद फिर जैसे तैसे 3 महीने बीते। 3 महीनों के बाद से तो नौजिया वोमिटिंग सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा रहने लगा। सुबह सुबह मुझे बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लगने लगती थी। 4th मंथ में काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ने लगी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता था, दिन ढलता जाता था, थोड़ा ठीक लगने लगता था। तो 4th मंथ कुछ इस तरीके से बीता था। बट जैसे ही 5th मंथ लगा, आई डोंट नो वाई, मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई। शाम को बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता था, बहुत ज्यादा। नो, गिल गिल। तो बस शाम को बीपी हाई हो जाता था। तो इस तरीके से करीब काफी टाइम तक, मतलब आप बोल लीजिए 2nd ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में बीपी की मेडिसिन चली काफी टाइम तक, तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक। उसके बाद बहुत बहुत बीपी हाई होता था, बहुत ज़्यादा अजीब लगता था, मतलब एकदम ज़्यादा चक्कर आने लगते थे। मैं शांत बीपी की दवाई खा के शांत लेट जाती थी, थोड़ी देर बाद ठीक लगने लगता था, फिर बैक टू वर्क। तो ऐसे ही करके 2nd ट्राइमेस्टर की स्टार्टिंग हुई। बैक पेन तो अब तो ऐसा लग रहा था नॉर्मली हो गया है, क्योंकि देखिए आपका एक बार सीजर हो जाता है ना, तो समझ लीजिए बैक पेन आपको रहेगा ही। आप बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, दैट्स इट, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्या कर सकते हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि एकदम लाइफ मुश्किल हो जाती है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। मतलब आपको बस खुद का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे आप अपने 20s में होते हैं ना, वैसे आप नहीं हो सकते। आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है अपने लिए, क्योंकि आपके पास एक छोटा बेबी भी है और आपका खुद का शरीर, और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है और एक्सरसाइज करना होता है, अच्छा खाना खाना होता है, तभी आप हेल्दी रह पाते हैं। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन भी अगर मैं अपना मतलब प्रोटीन शेक वगैरह जैसे नहीं पीती हूँ, और एक दिन भी मैं जैसे कैल्शियम टैबलेट या अपनी आयरन टैबलेट वगैरह मिस करती हूँ, तो मुझे फील होता है, बहुत फील होता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है और तबीयत खराब होने लगती है। तो इट्स ये जो जर्नी होती है ना प्रेगनेंसी की, ये बस आपका केयर मांगती है, आपको केयर की ज़रूरत है। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरी मम्मी मेरे साथ है इस समय, तो मम्मी की वजह से वो मुझे याद दिलाते रहती है, तो इसकी वजह से मैं अपनी केयर कर पाती हूँ। वरना तो अगर जैसे आपके पास बच्चे होते हैं ना, तो आपका पूरा ध्यान उन पे रहता है। आप कितने भी बीमार रहो, आपका ध्यान आपके बच्चे पे ही रहता है। मतलब ये चीज़ मैंने फील की है, इनफैक्ट आपने भी फील की होगी, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो बस मम्मी मुझे याद दिला देती है, तो मैं अपनी मेडिसिन टाइम पे ले लेती हूँ। तो इस तरीके से अब मेरा 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है, और भी एक्सपीरियंस मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय कर दो बेटा, बाय बाय।